सोलन में आयोजित हिमाचल वार काउंसिल के चुनावों में जिला सोलन के अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए उन्होंने लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपने मतों का प्रयोग किया। सोलन में करीबन 75% मतदान हुआ। नायब तहसीलदार चंद्र मोहन ठाकुर की अध्यक्षता में ये चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में सोलन से भी 2 प्रत्याशी खड़े थे। इस मौके पर जिला बार काउंसिल के प्रधान मनोज वर्मा ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से सोलन में मतदान का आयोजन हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर से आयोजित इन चुनावों में 15 प्रतिनिधियों को चुनाव जाना है, जिसके लिए प्रदेश के करीबन 5,000 अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोलन में भी 2 प्रत्याशी इन चुनावों में खड़े हैं। एचपी स्टेट बार काउंसिल का इलेक्शन संपन्न हुआ है, जो नायब तहसीलदार चंद्रमोहन ठाकुर हैं, उनके वो रिटर्निंग अफसर थे, उनकी अध्यक्षता में ये चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में पूरी स्टेट से करीब 5,000 के आसपास मतदाता अपने 15 नुमाइंदे चुन रहे हैं, जिसमें से 2 कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सोलन से भी हमारे चुनाव लड़ रहे थे और करीब करीब 70-75% जो वोटिंग है वो आज के इस चुनाव में देखने में आई है। काफी उत्साह वकीलों के बीच में रहा। ये जो इलेक्शन है ये एक स्टैचुरी बॉडी का इलेक्शन है जो पूरे स्टेट के जितने भी वकील हैं उनको गवर्न करती है, बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश। और जैसा आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये जो चुनाव है वो अभी संपन्न हुआ है।